आप में से कितने लोग हैं जो इस केले के छिलकों को फेंक देते हैं? आज की वीडियो को देखने के बाद आप इस छिलके को नहीं फेंकने वाले। अगर आपके पास दिन में अपने लिए 10 मिनट्स हैं एंड यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बॉडी स्किन एंड हेयर देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो गॉर्जियस, अब आपको तो पता चल गया होगा कि आज की हमारी सारी वीडियो होने वाली है इस बनाना से। ये एक केला है, इसके अनेक फायदे। इसको केले को अकेला मत समझना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्किन, हेयर, हेल्थ, हेड टू टो बेनिफिट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बनाना से स्किन टाइटनिंग मास्क, हेयर मास्क, वेट लॉस रेसिपी, टीथ वाइटनिंग का भी करने वाले हैं, बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन। एंड ना है केले के छिलके के फायदे आपकी स्किन के लिए, आपके टीथ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट क्विक 2 मिनट्स रेडी ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर वेट लॉस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। ये हेयर मास्क आपके हेयर को डीप कंडीशनिंग करेगा, आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, सॉफ्टनेस और शाइननेस बढ़ाएगा और फ्रिजी हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मास्क से आपके बालों का टूटना और गिरना भी बंद हो जाएगा। सो लेट्स वॉच द ब्यूटी रेसिपी। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले वो है बनाना। अगर बनाना खराब हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है, ड्राइड हो चुका है, सो इट इज गुड, इट विल गिव यू ग्रेट बेनिफिट्स। देन ग्लिसरीन, विटामिन ई ऑयल, एलोवेरा पाउडर, कर्ड एंड हनी। सो लेट्स सी ये कैसे बनेगा। हम सबसे पहले बनाना ले लेंगे। बनाना इज वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ, बेस्ट फॉर फ्रिजी एंड डल हेयर। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डैंड्रफ। और बनाना आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, तो ड्राई हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके हेयर को सॉफ्ट करता है और बाल को गिरने से भी बचाएगा। हम बनाना की प्यूरी बना लेंगे एंड इसके जो छिलके हैं हम उसको फेंकेंगे नहीं एंड वी विल लेटर यूज इट। हम बनाना की प्यूरी बना लेंगे और अब हम इसके बाद डालेंगे इसके अंदर एलोवेरा पाउडर। आप नेचुरल एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं और या कोई एलोवेरा का जेल का ब्रांड। एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई हेयर, ये आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और आपके हेयर को सॉफ्ट और शाइनी भी बना। मैंने यहाँ एलोवेरा पाउडर लिया है, यू कैन वॉच माई वीडियो हाउ टू मेक एलोवेरा पाउडर एट होम, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है। आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, मैंने पाउडर भी 1 टेबल स्पून ही लिया है। और अब हम इसमें लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इट विल रिमूव स्प्लिट एंड्स, और जिनके बाल कमज़ोर और पतले हो गए हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ग्लिसरीन एक नेचुरल कंडीशनर है एंड इट विल ऐड शाइन बिकॉज ऑफ इट्स मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे 1 चम्मच ग्लिसरीन का ले लेंगे एंड ग्लिसरीन बहुत ही बेनिफिशियल है आपके हेयर के लिए। अब हम ले लेंगे हनी। हनी ड्राई हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज करेगा। हनी इज़ ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो आपके हेयर ब्रेकेज और हेयर लॉस को रिड्यूस करेगा एंड इट विल कीप योर हेयर स्ट्रांग एंड हेल्दी। हमने यहाँ 1 चम्मच हनी ले लिया है और अब हम इसके बाद ले लेंगे इसके अंदर विटामिन ई ऑयल। द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इन विटामिन ई ऑयल रिड्यूसेस सेल डैमेज, ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर लॉस को रिड्यूस करेगा, हेयर ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स पे भी वर्क करेगा एंड इट विल ऐड शाइन टू योर हेयर। विटामिन ई ऑयल के बाद हम ले लेंगे इसके अंदर कर्ड। कर्ड इज़ रिच इन प्रोटीन और आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा, डैंड्रफ रिमूव करेगा और ये नेचुरल कंडीशनर भी होता है एंड दिस विल ऐड शाइन टू योर हेयर। सो हमने यहाँ पे लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच दही के। आप दही या कोई भी बनाना की क्वांटिटी अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप इसको बड़ा, अगर आपके हेयर छोटे हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं और अगर आपके हेयर बहुत लंबे हैं तो आप क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब हमने इसको थॉरली मिक्स कर लिया है, अब हम इसको फिर से मिक्सी में ग्राइंड करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम ना रह जाए और हमारे हेयर पर स्टिक ना करे। सो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप इसको किसी भी छन्नी से या मलमल के कपड़े से छान सकते हैं। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टक हो जाएगा बालों में। देखिए ये लेफ्ट ओवर, यही स्टक होता है हमारे बालों में। इस हेयर मास्क को आप अपने स्कैल्प और पूरे हेयर पर अप्लाई करिए। लीव इट फॉर 30 to 40 minutes एंड वॉश इट विद वाटर और यू कैन यूज़ एनी माइल्ड शैम्पू। मैं पर्सनली अपना होममेड हर्बल शैम्पू ही यूज़ करती हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। नाउ लेट्स मेक बनाना फेस मास्क। उसके लिए हमें चाहिए होगा बनाना, हनी, दही और ग्लिसरिन। बनाना हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ग्लोई और सॉफ्ट भी बनाएगा और एक्ने भी रिमूव करेगा। हमने यहाँ पे बनाना प्यूरी लेनी है। मैंने हेयर मास्क से ही 2 चम्मच बनाना प्यूरी ले ली थी और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच दही के। कर्ड आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा बाय नरिशिंग इट फ्रॉम विद इन। इट इज फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड इट विल इम्प्रूव योर कॉम्प्लेक्शन एज वेल। अब हम इसमें लेंगे हनी। हनी के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और एक्ने में भी रिमूव करने में हेल्प करता है। हम यहाँ पे 1 चम्मच हनी ले रहे हैं। हनी के बाद हम इसमें लेंगे अब ग्लिसरीन। अप्लाइंग ग्लिसरीन रेगुलरली ऑन योर स्किन, इट गिव्स अ यूथफुल एंड हेल्दी ग्लो। ग्लिसरीन आपकी स्किन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है एंड इट स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। ग्लिसरीन इज माई ऑल टाइम फेवरेट इन्ग्रीडियंट फॉर माई हेयर केयर and for my skin care because of its moisturizing property. अब हम इस face mask को अच्छे से mix कर लेंगे and it's good to apply. Remember जो हमने banana peel संभाल कर रखा था उसको लीजिए and छिलके पर थोड़ा सा sugar डाल दीजिए। Now start scrubbing gently on your face, body. In fact आप अपने hands या legs पर भी इसको scrub कर सकते हैं। This will remove your dead skin and tanning. Sugar scrub आपकी skin को brighten और tighten करता है। It will give you flawless skin and healthy and smooth skin as well. Sugar scrub fight करता है aging को in a natural way. एक और sugar scrub का बहुत अच्छा benefit है that you can use it all over the body, just not the face. जैसे आपको face को exfoliation की ज़रूरत होती है, आपकी body को भी ज़रूरत होती है। मैंने घर पे ही एक rose sugar scrub बनाया है, उसका link मैं mention कर दूँगी description box में, you can watch it. अब हम जो हमने मास्क बनाया था बनाना का, अब हम उसको जेंटली अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमने स्क्रब किया है एंड वील मसाज इट फॉर 5 मिनट्स। इसको मसाज करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे एंड देन वील वॉश इट अवे। इस बनाना फेस मास्क से आप अपनी स्किन को निखार सकते हो। आपकी स्किन ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग होगी। यह आपकी स्किन को वाइटन और टाइटन भी करेगा, स्मूथ और सॉफ्ट भी बनाएगा। इट्स अ नेचुरल एंटी एजिंग एंड विल रिमूव रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड डार्क स्पॉट्स। नाउ लेट्स गेट टू नो फ्यू मोर बेनिफिट्स ऑफ बनाना पील। बनाना हैज अ ग्रेट रिजल्ट्स फॉर टीथ वाइटनिंग एज वेल। आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, टेक द इनसाइड ऑफ द बनाना पील एंड रब इट ऑन योर टीथ फॉर 2 मिनट्स। Rinse your teeth again and repeat this daily for the great results. Banana peel को आप cut कर ले and keep under your eyes. ये आपके dark circles reduce करेगा और आपकी skin को tight भी करेगा near eyes. आप banana skin को अपने face पर भी rub कर सकते हैं. It will help to reduce your acne as well. केले का छिलका आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इट्स अ नेचुरल फर्टिलाइजर। आप इसके छिलके को प्लांट्स में डाल दें, ये खाद की तरह काम करेगा। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, बी ब्यूटिफुल एंड यू गो गॉर्जियस।